हाई कोर्ट ने दरोगा भर्ती परीक्षाओं के मूल रिकॉर्ड मांगे। बीपीएसएससी ने रद्द किया था फिजिकल का एडमिट कार्ड। कोर्ट ने बताया मनमाना फैसला। मुजफ्फरपुर में एमआईटी के छात्रों ने क्यूआरटी जवानों को पीटा। एटीएम में घुसने को लेकर हुआ विवाद। 6 छात्रों ने 2 जवानों की कर दी पिटाई। बहन की डोली से पहले उठी भाई की अर्थी। गोपालगंज में तिलक की तैयारी में जुटा था पूरा परिवार। शवाते ही पसरा मातम। पूर्णिया में चिंताई से बाल बाल बची महिला। 1.5 लाख का जेवर नहीं छीन सके लुटेरे तो बच्चे को बाइक से मारी ठोकर। चल रहा इलाज। 50 एकड़ में बनेगा बीटा का बस स्टैंड। 217 करोड़ की जमीन पर तैयार होगा पटना का दूसरा बड़ा बस स्टैंड। पश्चिम बिहार के यात्रियों को होगी आसानी। पानी छिड़काव के बाद भी दिल्ली और पटना से भी ज्यादा प्रदूषित मुजफ्फरपुर। लालू यादव ने 6 टन के लालटेन को जलाकर किया उद्घाटन। 4 साल बाद आरजेडी ऑफिस पहुंचे राजद सुप्रीमो। वोट डालने सिंगापुर से समस्तीपुर पहुंचा। पंचायत चुनाव में पहली बार मतदान करने पहुंचे एनआरआई राजेश। वार्ड सदस्य के पद पर चुनाव लड़ रहा भाई। बगहा में NH-727 पर मिला शव। मौत पर सस्पेंस। सड़क के एक और बाइक दूसरी और 20 फीट दूरी पर मिला बॉडी। किसने मारा पता नहीं। औरंगाबाद में नक्सलियों के भय के बीच चल रहा चुनाव। 8वें चरण के मतदान में उत्साहित दिखी महिलाएं। यातायात पूरी तरह ठप। बाजार बंद। सामूहिक अवकाश पर जा सकती है बिहार पुलिस। ईडीजे एसआई मारपीट में जज पर एफआईआर कराने के लिए पुलिस एकजुट। काला फीता बांधकर विरोध जताएंगे। सीतामढ़ी में 90 दिनों में 80 लाख की डकैती। भाजयुमा नेता के घर में डकैती कांड में एक भी गिरफ्तारी नहीं। आरजेडी नेता बोले ये कुशासन की सरकार है। पटना में डॉक्टर की पत्नी की गोली मारकर हत्या। देर शाम एक फोन के बाद अपने ब्यूटी पार्लर से निकली थी। खेत में मिली लाश। अमेरिका से मुंगेर आकर डाला वोट। माँ है मुखिया प्रत्याशी। एयरफोर्स के रिटायर्ड अधिकारी पिता ने कहा था माँ के लिए नहीं वोट डालने आओ। पटना में बच्चे समेत कुएं में कूदी महिला का मामला। पुलिस ने महिला के पति की बुआ को किया गिरफ्तार। मामले में थी अभियुक्त।